अरे रंजीत जी कहाँ है? रंजीत जी आइए आइए आइए, सब कुछ चेक टाइम चल रहा है। फ्रस्ट्रेशन थी जितना भी था लाइफ, लेकिन लास्ट में जाते आते मतलब बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अच्छी चीजें बातें सिखा के जा रहा है। सो ये इंटरनेशनल गोल्डन अवार्ड क्या कुछ फीलिंग है सर नाउ एंड क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके कि सब बहुत मेहनत करते हैं और जानते हैं, जैसे ये साल हम सब बहुत जिस परिस्थितियों से जा रहे थे, बट सबका मोराल हाई हो जाता है जब सब मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। बिकॉज कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में, यार तू बातें करेगा कि मैं बात करूँ? नहीं नहीं बिल्कुल, इनका ये रिकॉर्ड है। अच्छा ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, चलो मैं शुरू करता हूँ। या थैंक यू मोहम्मद भाई, थैंक यू आइकन अवार्ड्स। और जैसे आप जानते हैं कि ये साल थोड़ा सा मतलब यू नो पैंडेमिक की वजह से वी हैड टू बी वेरी केयरफुल, मगर हम सबका मोराल बहुत हाई हुआ बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। और ये हर आर्टिस्ट की, हर पर्सन की जो इस इंडस्ट्री जुड़ा है वो जानता है कि कुछ भी हो जाए बट द शो मस्ट गो ऑन। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन शाही प्रोडक्शंस ने नॉट ओनली रिश्ता कहलाता को कंसोलिडेट किया बट एक नया शो लॉन्च किया अनुपमा, और आज दोनों शोज़ की तारीफ है और दोनों शोज़ की टीम्स आई हुई है साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो आज डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं दोनों शोज़ को, एंड ऑफ कोर्स यू फील वेरी प्राउड आज रिश्ता कहलाता में शिवांगी मोहसिन हैव टेकन द शो टू ग्रेटर ग्रेटर हाईएस्ट हेंस, इंस्पायर करते हैं हमें ये। एंड दे हैव कम्प्लीटेड 55 मंथ्स एज कायरा, एंड बहुत कुछ बाकी है कहना। सो 2021 में लुक फॉरवर्ड टू अमेजिंग स्टोरीज एंड अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय बोथ ऑफ देम एंड हार्ड वर्क बाय द एंटायर टीम। बहुत कुछ कहेंगे, मैं अभी रिश्ता कहलाता की टीम, हमारी टीम सब साथ में ही है एक्चुअली, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ और ये मेरा हमेशा मानना है कि डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन या शाही प्रोडक्शंस की जो हमारे सोल है, जो हमारी नींव है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, जो हमारी धड़कन है, जो हमारी इंस्पिरेशन है, वो है रिश्ता का कहलाता है। एंड ये रिश्ता कहलाता की जो एक इंस्पिरेशन, जो एक टीम वर्क होती है, वो एग्जांपल है हर शो के लिए। और मेरे करियर में आज रुमेश जी हैं जो दोनों शोज़ के सीरीज डायरेक्टर हैं रिश्ता कहलाता और अनुपमा के, और रंजीत जी हमारे बिजनेस हेड, एंड ऑफकोर्स कार्तिक एंड आराध है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हार्ड वर्क आपको दिखाई देता है रिश्ता कहलाता है, दैट इज़ अ बेंच मार्क फॉर एवरीबडी। सो अनुपमा इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ये रिश्ता का कहलाता है। सर ने कहा है कि बस जैसे ये रिश्ता का कहलाता हो कि प्यार देते हैं ये ऑडियंस, वैसे ही अनुपमा को भी प्यार देते रहे। और जैसे ये शो भी 13वें साल शुरू करने वाला है ये रिश्ता का कहलाता है, ऐसे ही अनुपमा भी इसी राह पे चलता रहे और सालों साल चलता रहे। ओके सर, आपको बहुत सारे मिले भाई, पांच शेल भरने वाली है दोनों की, नया शेल बनवा दूं? फीस ओवर में आज 55 महीने बाद, जैसे सर ने कहा 55 मंथ्स, 1200 एपिसोड बाद भी ये अप्रिसिएशन मिलता है जब ऐसा अवार्ड पे बुलाया जाए। और योर एंटायर टीम इज़ विद यू, सो यू नो दैट यू गोइंग राइट इंशाल्लाह, एंड हम ऐसे ही पूरी टीम साथ चलती रहे। और पीपल दे वॉच द शो, दे लाइक इट, आई होप दे like the new twist that are coming up. मैं पता नहीं मैं कितना बोल सकता हूँ उसके बारे में, नहीं बोल सकते बहुत कुछ आने वाला है। In fact, I think 3 दिन में वो सेट के बाद बोर्ड भी लगने वाला है कि nothing, not even a camera is allowed, you know, after 3 days. So the new twist coming up. And inshallah, we really hope people like it. आज हमारी पूरी वो प्रेपरेशन, सारी टीम साथ सवेरे से बैठी हुई थी बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट वेरी बिग 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 थिंग हैपनिंग। एंड क्या क्या देखना है एपिसोड बट या उसके बाद थोड़ा सा इट इज समथिंग वेरी बिग। आई थिंक आज तक जो मेरे करियर का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्विस्ट एंड टर्न है 27 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, और
कार्तिक नायर की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न और इस शो का इनफैक्ट आई थिंक 3300 एपिसोड का सबसे बड़ा एक कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है. तो काउंटडाउन शुरू होने वाला है कुछ दिनों में, बट बहुत जल्दी पता है. We really hope people like it. Yes. Keeping our fingers crossed. Okay, costume के बारे में थोड़ा अगर आप बता सके. What do you wear? Outfit है तो This gown is from Kalki Fashions and my friend Natasha, उन्होंने मेरा आज का लुक स्टाइल किया है. So I really like it and जिसमें इसका जो वर्क है स्टार्स वाला वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. So I'm wearing it and it's very comfortable. So I like Victor has styled me and this he's made me wear different color this time. He told me कि तुम हमेशा ब्लैक ही पहनते हो, कुछ तो पहन लो कुछ और. So he's finally given me a different color and I hope it looks good. यार मुझे पता नहीं कैसा लगेगा. I've never worn green before. Okay, इसके अलावा अगर सॉन्ग अच्छा I've styled myself and Umesh sir and Ranjit ji they're looking dashing as well. I think sir Rajan sir भी बहुत amazing हैं. मुझे सब बोलते थे कि you know जब आपने देखा होगा आज मैं कैसे dressed हूँ, पहले कैसे dressed हूँ, पुरानी footage देखो ना, बोलते कि आप प्रोड्यूस करते हो मोहसिन और शिवांगी का शो और आप ऐसे कपड़े पहनते हो. तो आज मैंने बोला आज मैं भी स्टाइल करके आता हूं. एंड सर इज लुकिंग अमेजिंग और दोनों लॉस सो मच वेट इज लुकिंग डैशिंग नाउ एंड रोमेश सर हैज आल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड रंजीत जी सब बहुत अच्छे लग रहे हैं. सो आई रिश्ता होता वी पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड बेस्ट क्लोथ्स फॉरवर्ड. ओके, नया साल है, मेरी क्रिसमस आने वाला है. ये रिश्ता और जब ये रिश्ता कहलाते की टीम साथ में हो तो हर दिन क्रिसमस है, हर दिन न्यू ईयर है और हर दिन दिवाली है. सब प्लान इज टू शूट एंड हमारा वही होने वाला है इंशाल्लाह. वी रियली होप वो शूट बहुत अच्छा जाए और वो एक बरकत भी होती है. राइट, कभी ऐसे दिन शूट करो, ऐसे दिन पे शूट करना और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है. नए साल, आई थिंक साल के पहले दिन शूट करना इज लाइक अ ब्लेसिंग. एंड ऑन योर बर्थडे, आई थिंक एंड ऑन योर बर्थडे एंड आई ऑलवेज आई थिंक बोथ ऑफ अस बट आई ऑलवेज शूट ऑन माय बर्थडे लाइक ऑलवेज. मतलब हमें 5 साल होने वाले हैं, मेरे 5 बर्थडे मन चुके हैं ये रिश्ता में और मैंने सारे रिश्ता में सेलिब्रेट किए हैं. अनुपमा टीम के साथ मैं छोटा कर लेता हूँ. हम लोग फोरन में आ जाएंगे तो बोले अच्छा यार क्या वीडियो है. बोल दे भाई, ये तो बेस्ट प्रोडक्शन हो गया. कांग्रेचुलेशन सर, शो के लिए आपको अवार्ड से नवाजा गया है अनुपमा के लिए, उसके लिए आप कुछ अपनी टीम के साथ आपके स्टाफ के साथ ये कहना चाहूँगा. एक तो हमको अच्छा अवार्ड मिला है कि फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस और इस प्रोडक्शन हाउस के दो अनमोल रतन और दो हीरे रिश्ता कहलाता है अनुपमा. और अनुपमा को मिला है इंटरनेशनल आइकॉनिक ट्रेंड सेटर शो ऑफ इंडियन टेलीविजन 2020. सो आई थिंक ये सारी टीम अनुपमा टीम की मेहनत है और आज रूपाली, सुधांशु और मदलसा नहीं आ पाए तो उन सब के बिहाफ में और बाकी सब एक्टर्स के बिहाफ में हम ये अवार्ड ले रहे हैं. बाकी सारी टीम टेक्नीशियंस के बिहाफ में, यूनिट के बिहाफ में हम अवार्ड ले रहे हैं कि आप सब ने बहुत प्यार दिया. और जब ये शो शुरुआत करी थी आई रिमेम्बर कि बहुत लोग कहते थे कि शो ऐसा नहीं चलेगा, एक सिंपल कहानी, थोड़ा तांग झांग करो, थोड़ा ड्रामा लेके आओ, थोड़ा लड़ाई झगड़े कराओ शो के अंदर. बट आई मस्ट से जो एक टीम अनुपमा में साथ में आई है, जो सारी हमारे एक्टर्स की टीम है, टेक्नीशियंस, क्रिएटिव यूनिट, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. और अभी शुरुआत ही है कि ऑडियंस का इतना प्यार मिला है एंड वापस एक इज्जत मिली है इंडस्ट्री में. एंड ऑफकोर्स नंबर्स हैं, TRPs हैं, आज टॉप रेटेड है. बट इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स. आई ऑलवेज फील कि काम रिस्पेक्टेबल करो, काम वैसा करो जो वापस सारी फैमिली एक साथ शो देख सकते हैं. सो आई थिंक दिस शो रिप्रेजेंट्स द बेस्ट परफॉर्मेंसेज, द बेस्ट राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग इन एवरी मैनर, टोटलिटी द बेस्ट. एंड ऑफकोर्स रुमेश जी हमारे दोनों शोज सेटअप किए और एस सीरीज डायरेक्टर ऑफ ऑल DKP शोज, तो अनुपमा भी उनका बेबी. स्टार्टअप की बात करें,
शो के माध्यम से, तो कैसे आप शिवांगी और मोहसिन को भी तारीफ करते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय? इनकी भी बहुत तारीफ करते हैं। मतलब क्या है आई थिंक एक अच्छी अनुपमा की टीम से जो हमारी टच वुड आई थिंक रुमेश जी और रंजीत जी अग्री करेंगे कि वी आर वेरी लकी एंड ब्लेस कि जैसे हमारी रिश्ता कहलाता की टीम है बहुत हार्ड वर्किंग डाउन टू अर्थ एंड व्हाट दे हैव रियलाइज कि अगर लंबा शो चलता है वो तभी चलता है जब एक बरकत हो सेट पे, एक पीस हो, एक हारमोनी हो, हार्ड वर्क हो एंड हाँ जी टाइम पे आना जाना तो वो तो डेली शेड्यूल होता है बट एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जो होती है, टीम स्पिरिट जो होती है, जहाँ एक टीम स्पिरिट आती है वो टचवुड अनुपमा में मैं देखता हूँ। सब एक्टर्स के बीच में एक बहुत खूबसूरत सिनर्जी है सबके बीच में, सो रियली आई थिंक वो आपको आई थिंक ऑडियंस को दिखाई भी देता होगा जब वो देखते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि रोमेश जी उसको डायरेक्ट या शूट कर रहे हैं, वो ब्यूटी है कि आपको लगता है जैसे आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं। सो एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज एंड आई थिंक परफॉर्मेंसेज के बारे में आप इनसे पूछिए। I would say that you know we are really blessed working with Rajan sir, and we are really blessed that he gave us this opportunity to play such characters, such strong characters in this wonderful show called Anupama. I would also like to thank Romesh sir for guiding us and directing us. Being the jury, I will not come between the jury. So I would just say that we are really blessed to have Romesh sir as our director because sir ne hame ungli pakad kar chalna sikhaya. Aisa ek kahawat agar kaho to wo hai. Kyunki we are really very raw. Like I've worked before, but still I would say that recognition was given by this show Anupama. So thanks to the entire team, Ranjit ji, Romesh sir, Vivek ji. Everyone, the entire team, I'm really blessed. Ashish, ma'am. Well, show के बारे में मैं मतलब I'll be very honest कि टीवी कहीं ना कहीं हमारे घरों से खो सा रहा था. To be very honest, मेरी family, मेरे जितने भी loved ones हैं, they all like कि यार टीवी पे कुछ है नहीं इतना खास देखने के लिए. They were on a regular shows, somewhat. And हम as an actors भी हम लोग we always seek कि हम लोग कुछ बड़ा करें, अच्छा करें. मगर हमने जब ये शो शुरू किया और सारे कैरेक्टर्स समझे और जब ये टीवी पे आया है, आज नंबर्स तो राजन सर ने बताई दिया कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आज अगर हम लोग कहीं पे भी स्टेप इन करते हैं दे ऑल जस्ट से कि शो इज फैबुलस, वी आर लविंग इट, टच वुड, थू थू थू, एंड दैट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ हिम एंड द मैन बिहाइंड क्रिएटिंग ऑल द कैरेक्टर्स विद सर. तो आई हैव टू से कि ब्लेसिंग से ज़्यादा है ये और हम लोग बहुत हम्बल्ड हैं एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस. थैंक यू. मेरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे दीजिए. सो टीम अनुपमा की तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड कीप वॉचिंग अनुपमा.